दोस्तों आज मैं घर में अकेला हूँ और मैं वापस से नानी के घर से लौट कर आ गया हूँ फ्रैंकी भैया के साथ रहने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको पता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इसीलिए फ्रैंकी भैया ने मुझे अकेले घर पर छोड़ कर चले जा चुके हैं और मैं आज पूरे घर में अकेला हूँ और मैं बड़ा भी हो चुका हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे प्लान है। मैं अपने दोस्तों को बुलाकर आज रात मस्त पार्टी भी कर सकता हूँ क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। या फिर क्या करूँ मैं घर में बैठ के टीवी भी देख सकता हूँ, वो भी अपना फेवरेट कार्टून, और मुझे कोई भी नहीं रोकेगा क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं खेल कूद भी कर सकता हूँ, खा भी सकता हूँ। लेकिन इतने रात को मुझे और भी एक्सपेंसिव चीज क्या करनी चाहिए, मुझे बाहर घूमने जाना चाहिए क्योंकि आज रात मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं घर पे अकेला भी हूँ तो मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ। तो चलो जल्दी से चलते हैं दोस्तों बाहर घूमने के लिए, आज तो मजा आएगा। अरे नहीं, मुझे तो डरावनी आवाज आ रही है। अरे इतनी जोर से दरवाजा कौन पीटता है, मुझे तो डर लग रहा है। अरे कौन है, प्लीज जवाब दो। इतनी जोर से दरवाजा मत पीटो, मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे तो बहुत खतरनाक आवाजें आ रही हैं घर के बाहर से, लगता है घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। अरे एक मिनट, बच्चो क्यों रहे दोस्तों? चलो आज तो सारी प्लानिंग हो गई, आज मैं बहुत सारी प्लानिंग कर चुका हूँ और आज मैं चॉप और सिंचन तीनों मिलके आज रात पार्टी करने वाले हैं और इसीलिए मैं सिंचन को घर पे छोड़ के आया हूँ ताकि सिंचन को पता न चले कि हम लोगों ने पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। एक्चुअली दोस्तों सबको तो पता ही है सिंचन हमारे साथ कितने टाइम से नहीं रहता था, लेकिन अब सिंचन नानी के घर से वापस लौट आया है और उसी की खुशी में आज हम लोग पार्टी करने वाले है हम सब लोग मिलके। इसलिए मैंने सिंचन को घर पे छोड़ दिया ताकि उसे पता ना चले कि हम लोग सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं उसे। और अभी मैंने पार्टी का सारा सामान ले लिया है और जल्दी से चल के सिंचन को बताते हैं कि आज रात हम लोग पार्टी करने वाले हैं। चलो दोस्तों अभी मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेकर सीधा घर पे आ चुका हूँ और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ सिंचन को ये बताने के लिए कि आज रात हम लोग पार्टी करने वाले हैं। सिंचन, अरे सिंचन भाई कहाँ है तू? अरे सिंचन को तो यहीं पर छोड़कर गया था मैं और मैंने तो बोला था कि वो बालकनी से बाहर तक ना निकले, लेकिन कहाँ गया सिंचन? अरे मैंने पूरा घर में छान मारा, सिंचन तो कहीं पर नहीं मिल रहा। यार वो तो छोटा बच्चा है, वो कहाँ चला गया इतनी रात को? और शायद वो टॉयलेट में होगा। सिंचन, अरे सिंचन तू अंदर है क्या? प्लीज जवाब दे भाई। अरे सिंचन तो अंदर भी नहीं है, ये बाथरूम तो बाहर से लॉक्ड है, इसका मतलब सिंचन कहीं और गया हुआ है। रुको रुको मैं उसे कॉल करके देखता हूँ, उसके पास फोन है। यार ये सिंचन का कॉल क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? इतनी रात को सिंचन भी नहीं मिल रहा और उसका कॉल भी स्विच ऑफ आ रहा है, क्या हो रहा है ये सब कुछ? मैं उसे अकेले घर पे छोड़ कर गया था, सब मेरी ही गलती है, वो पता नहीं कहाँ जा चुका है अभी। ए भाई सब किलवे, मैंने पूरा घर में देखा, सिंचन कहीं पर नहीं मिल रहा और मुझे तो किसी बाहरी आदमी की खुशबू आ रही है। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा डरावनी खुशबू है जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ। क्या? जल्दी कर चौप, गाड़ी के ऊपर बैठ, हम लोग अभी के अभी निकलते हैं, उस खुशबू का पीछा करते हैं, देखते हैं वो किसकी है। ए भाई सब किलवे, मैं बता रहा हूँ वो खुशबू मुझे डरावनी लग रही है, तो सीधा सीधा चलते रहे, मैं रास्ता बताता हूँ। ए किलवे रुक जा। अरे किलवे यहाँ से खुशबू मुझे पीछे की तरफ आ रही है, गाड़ी को घुमा ले। क्या यहाँ से वो आदमी इधर की तरफ गया है? ए किलवे बस 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 यहीं पे रुक जा। सिंचन और एक और अजीब सी खुशबू मुझे यहीं तक महसूस हो रही है, इसके आगे जाना शायद खतरे से खाली नहीं होगा, तू आसपास में देख सिंचन है या नहीं। यहाँ पर पूछते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, देखते हैं कौन आता है। अरे फ्रैंकलिन तुम, अरे बताओ दोस्त इतने रात को किस बात की मदद मांगने आए हो तुम, जरूर किसी प्रॉब्लम में लग रहे हो। हाँ वो सिंचन नहीं मिल रहा है दोस्त, तुम्हें सिंचन के बारे में कुछ पता है तो प्लीज जल्दी से बता दो मुझे क्योंकि उसे ढूंढना है।
अरे यार, सिंचान तो यहाँ पर भी नहीं है। मैंने उसे पूछ लिया, उसने साफ इनकार कर दिया, उसको सिंचान के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सिंचान और उस अजीब सी आदमी की खुशबू बस यहीं तक की थी, अब आगे मुझे कहाँ ढूंढना चाहिए सिंचान को? चलो आगे और रास्तों में देखते हैं, शायद वो बंदा सिंचान को पकड़ कर लेकर जा रहा होगा, हम लोग उसे पकड़ सकते हैं। जल्दी से चलते हैं। यार साहब, मेरी गलती है, मुझे सिंचान को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ए भाई साहब कलवी, मुझे वो खुशबू किसी इंसान की नहीं लगती। क्या मतलब, किसी जानवर की है? नहीं नहीं कलवी, वो तो मुझे डरावनी खुशबू लग रही है। मैंने तो सब जगह ढूंढ लिया यार सिंचान को, लेकिन वो तो कहीं पर नहीं मिल रहा। एक काम करते हैं, अभी घर के अंदर ही देखते हैं, शायद वो छिपा हो कहीं पर, हमें डराना चाहता हो। पर यहाँ से मेरी पुरानी गाड़ी कहाँ गई? ये भाई साहब कलवे, मुझे तो लगता है सिंचान तेरी गाड़ी लेके घूमने गया है अपने दोस्तों के घर पे, तभी तो तेरी गाड़ी भी नहीं है और सिंचान भी नहीं है। हाँ हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, शायद सिंचान अपने दोस्तों के घर पे घूमने के लिए गया है और वो मेरी गाड़ी लेकर चला गया है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के पास तो घूमने जाना था और उसने मुझसे बोला भी था। चलो अभी सब कुछ इग्नोर करते हैं, शायद वो सुबह तक घर पर वापस आ जाएगा और मैं टेंशन फ्री होके थोड़ा देर सो लेता हूँ, क्योंकि बहुत जोर से नींद लग रही है। मैं हूँ सिंचान, लेकिन अब मैं बन चुका हूँ मॉन्स्टर सिंचान, और फ्रैंकलिन भैया अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। इतने दिनों तक मुझे नानी के घर पर रखा ताकि सुकून से रह पाओ, अब मैं देखता हूँ तुम कैसे सुकून से रहोगे। उठो सिंचान वापस आ गया है, उठो सब लोग। अरे ये आवाज कैसी है यार, रुको बाहर निकल के देखता हूँ। अरे ये क्या, ये तो सिंचान है यार। हाँ सिंचान, इतनी रात को वापस आ गया तू? तू तो शायद अपने दोस्त के घर पे गया था ना। ए कलवी, ये सिंचान इतनी रात को वापस क्यों आया? ये तो अपने दोस्त के घर पे गया हुआ था ना। हाँ वही तो मैं भी इससे पूछ रहा हूँ, लेकिन ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? और इसके सिर के ऊपर से ये अजीब सा धुआं क्यों निकल रहा है? ए सिंचान, ये सब कुछ क्या हो रहा है तेरे को? अरे सिंचान, जवाब क्यों नहीं दे रहा है तू? ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, अचानक इसे क्या हो गया? ये थोड़ी देर पहले तो ठीक था जब मैं इसे मिला था, अचानक अजीब सा रिएक्ट कर रहा है। सिंचान अब मॉन्स्टर सिंचान बन चुका है। फ्रैंकलिन भैया, अब मुझसे तुम लोग नहीं बचोगे, अब तुम्हारे अलावा मैं इस लॉस सैंटोस को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं अब असली खिलौनों से खेलूंगा, इन लोगों से बहुत खेल लिया खिलौनों से, अब बड़े बड़े खिलौने मेरे हाथ लगे हैं और इनसे खेल के मजा आएगा। यह देखो मैं इसे किस तरीके से मारूंगा। बचाओ, अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये बच्चा इतना पावरफुल कैसे? इसके पास तो बहुत हथियार है। ए, मेरे दोस्त को छोड़, अरे भागो, बचाओ। बच्चा रुक जा, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब मेरे पास बंदूक है और देख ये चलती भी है, तुझे गोली मार दूंगा, डर जा मुझसे। और तू बता, तेरे पास ये शक्तियाँ कैसे आई और तू इन लोगों पे काला जादू कैसे कर रहा है? तेरे ऊपर किसने काला जादू किया है बता बच्चे, वरना गोली मार दूंगा तुझे। मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मैं बहुत पावरफुल हूँ, और अब मैं देखो क्या करता हूँ तुम लोगों के साथ। तुम लोग मुझे डराओगे गोली से, अब मैं तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाता हूँ।
यह बच्चा तो बहुत शक्तिशाली है, इसे रोक पाना नामुमकिन लगता है। और इधर जाओ कोई तो, नहीं तो हम इसे किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं तो ठीक हूँ, शिनचैन कहाँ गया? और चौप तू तो ठीक है ना? ये मैं सब की मेरी हालत भी खराब हो गई है, चल चलिए यहाँ से भागते हैं, इससे पहले वो चलवा शिनचैन आ जाए। हाँ जल्दी से निकलते हैं, तो शिनचैन के पास इतनी पावर्स कहाँ से आ गई है? वो तो पूरा भूतिया बन चुका है, और उसने किस तरीके से हमारे ऊपर अटैक किया, वो तो हमें मार ही डालने वाला था। लेकिन उसके पास ये शक्तियाँ कहाँ से आ गई? मुझे तो लगता है वो नानी के घर पे गया हुआ था, और ये सब कुछ वहीं से वो सीख कर आया है। लेकिन वो हमें क्यों मारना चाहता था? अब तो मुझे लगता है हमें नानी के घर पे जाना पड़ेगा चॉप, वहीं पे असलियत पता चलेगी। ये शिनचैन ने काला जादू कहाँ से सीखा है, और ये हमें क्यों मारना चाहता है उन काले जादुओं को सीखने के बाद? चलो अपने स्कॉर्पियो को जल्दी से भगाते हैं, कहीं उसे पता ना चल जाए कि हम लोग उसके बारे में पता करने के लिए जा रहे हैं। अरे ये क्या है, एक सेकेंड, हमारी गाड़ी ये हवा में कैसे लटक गई? चॉप तुम देख रहे हो ये सब कुछ क्या हो रहा है? ए माय सब कल में मुझे डर लग रहा है, लगता है कोई हमारे पास आने वाला है, जल्दी कर इस गाड़ी को नीचे उतार, वरना वो जादूगर हमारे पास आ जाएगा। कौन जादूगर? शिनचैन, कहीं वो शिनचैन तो नहीं? ए हाँ हाँ कलबे, उसी की बात कर रहा हूँ, जल्दी कर। लेकिन ये गाड़ी तो पूरी हवा में लटक रही है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लगता है सचमुच में शिनचैन ने ये सब कुछ किया है। अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो मैं मार ना दे, यहाँ से मैं जल्दी से भाग जाता हूँ इससे पहले कि वो शिनचैन मेरे पास में आ जाए। चलो दोस्तों भागते यहाँ से। क्या ये तो शिनचैन है, ये कहाँ से आ गया? अरे बचाओ! मैंने तो इन लोगों को मार दिया था, लेकिन ये लोग जिंदा कैसे बच गए? मेरे मरने के बाद भी जिंदा बच गए, अब तो इन लोगों को अच्छी जगह पहुंचा दिया, अब तेरी बारी, हर कोई मुझसे मरेगा, क्योंकि अब मैं सबको खत्म करके इस दुनिया पे राज करूंगा। दोस्तों आप लोग जानना चाहते हो कि मेरा साम्राज्य कैसा होगा, तो जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग मौत का तमाशा देखोगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय बाय।